बोले तीसरा बोला भाई हम लोगों में ऐसी रिवाज है जब दूल्हा घोड़े पर बैठ करके जाता है तो उसके चाचा ताऊ बाबा पीछे से पैसों की बौछार करते हैं ना, लाल कोतरी होती है उसमें थोड़े ताल मखाने पड़े रहते हैं और उसमें सिक्के पड़े रहते फेंकते हैं। तो बोले कि इस बात से ये कैसे सिद्ध हुआ कि दूल्हा है? बोले भाई ऐसे सिद्ध हुआ क्योंकि इस दूल्हे के ना चाचा है ना ताऊ है, आगे पीछे कोई है नहीं, अपने ब्याह की खुशी में खुद ही लुटाता आ रहा है, इसलिए यही दूल्हा होगा। लेकर के बड़ा हार पहुंचे, आप दूल्हे हो? बोले नहीं नहीं भाई मैं दूल्हा नहीं। तो बोले मैं तो कुबेर भंडारी हूं, इस विवाह में जो भी खर्च होगा वो सब मैं दे दूंगा। दूल्हा कहां है? बोले वो तो पीछे आ रहे हैं। अच्छा, देखने की उत्सुकता में सभी लोग हार लेकर के खड़े हैं, सबर सारे नगरवासी दूल्हा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करते करते इतने में ही देवताओं की सारी बारात आगे निकली और भगवान शंकर के गण जैसे ही प्रवेश किए, अब तो सारे घर की स्वागत की वस्तुओं को फेंक करके भागने लगे। कोई किसी के घर में घुसा, कोई किसी के घर में घुसा, इधर उधर भाग दौड़ मचने शुरू हो गई। घर में घुसे लोग पूछने लगे, अरे भाई कैसी बारात है? बोले बारात की बात मत करो, दरवाजा बंद करो, जल्दी से खिड़की बंद करो, सारी नाली बंद करो। अरे क्या पागल हो गए? खिड़की बंद करो, दरवाजे बंद करो, कहीं से हवा आने दोगे? नहीं आने दो, सारी नालियों में कपड़ा ठूस दो। घर वाले पूछने लगे, बात क्या हुई? बारात कैसी है? दूल्हा कैसा है? बोले बारात का नाम मत लो, ऐसा लग रहा है मानो यमराज के यहां से पूरे हिमाचल का एक साथ परमिट काट दिया है। अरे किसी किसी नगर में तो एक दो यमदूत आते हैं, यहां तो यम की धार किधर भरे आता, पूरी यमराज के सारे लगता है दूत आज हमारे हिमाचल में आ गए। बराते हैं कोई, वो यमदूत आए हैं। पूरे नगर में ब्लैकआउट हो गया, चारों तरफ से खिड़की दरवाजे नाली सब बंद करके बैठ गए, मातम सा हो गया। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भय नहीं होता। नगर में कर्फ्यू लगा भी हो तो छोटे छोटे बच्चे तो गली में खेलने आ ही जाते। छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, आपस में चर्चा करने लगे। एक बच्चा कहने लगा, बोले भाई तुमको मालूम है इस बारात को, इस ब्याह को जो देखेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। और बच्चे कहने लगे, इसमें भाग्यशाली की क्या बात है, बहुत ब्याह होते हैं, बहुत बारात होती है। बोले नहीं, इस विवाह की तो बहुत ही विलक्षण बात है, जो देखेगा वो भाग्यशाली होगा। बोले कैसे? बोले जो जियत रही विवाह देखी पूर्ण बल करते सही, जिंदा रहेगा तब तो देखेगा, या जिंदा रहने की उम्मीद ही नहीं। जिंदा रहेंगे तब तो ब्याह देखेंगे, तब तो बारात देखेंगे, लगता है सब एक साथ जाने वाले। जितने भी लोग स्वागत के लिए खड़े थे सब अपने अपने घरों में चले गए। देवता बेचारे तीन तीन दिन से नमक का पानी पी रहे थे। बोले वहां बारात में जाएंगे, खूब खाट से जीवेंगे, भोजन की सोच करके आए थे, पानी के भी लाले पड़ गए, कोई पानी पूछने वाला भी। जन्माष्टमी में जाकर के देवता भगवान शंकर से नाराज होकर के बैठ गए और भगवान शंकर द्वार पर पहुंचे। वहां पर उनकी सासू जी स्वागत के लिए पधारी अपनी सखियों के साथ। अब जब आई सासू जी, पहली पहली बार जब दूल्हा देखती है सास, बड़ी प्रसन्न होती। अंदर तो बड़ा विचार था क्योंकि पहले फोटो का जमाना तो था नहीं कि फोटो देख करके पसंद कर ले, पहले तो घर का नेव की जाकर के ही पसंद कर जाता था। अब तो बहुत ज्यादा प्रोसेस हो गए शादी के लिए, हाइट डाइट वाइट नापी जाती है, बायोडाटा लिया जाता है, पता नहीं क्या क्या होता, पहले नहीं था ये सिस्टम। तो सोच रखा था बड़ा सुंदर होगा, लेकिन जब सामने दूल्हे को देखा तो भय व्याप्त हो गया, ये क्या है? लेकिन अब करें क्या, आ गया दूल्हे, पूजा तो करनी ही पड़ेगी। डरती डरती गई, अब दूल्हे के माथे पे तिलक करें तो तीसरी आंख माथे पे, मोहर पूजन होता है, मोहर पूजन करें कैसे, वहां तो सर्प लटक रहा है। जैसे तैसे चावल
और गोली का छीटा दिया, आरता किया, परछन किया, एक सर्प पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने जोर से थाली में फुसकार मारी। जैसे ही थाली में सर्प ने फुसकार मारी, थाली फेंककर दरवाजा बंद करके सासू जी भीतर गई और नारद जी को कोसने लगी। नारद कर में कहा बिगारा भवन मोहि जई बसत हो जा। इस नारद ने कैसा लड़का बता दिया मेरी बेटी के लिए। नारद जी को कोस रही, होता है अच्छा संबंध हो जाए तो मेरी बेटी के भाग और जरा 19-20 हो जाए, इनकी बातों में आ गए, हम तो इनके चक्कर में फंस गए महाराज, बिचौलिया का मरना हो जाता है। यहां बिचौलिया कौन है? नारद जी। और भगवान शंकर द्वार पर खड़े हैं, 10-15 मिनट हो गई, द्वार नहीं खुला। किसी गण ने आकर के कहा, बोले महाराज चलो चले। बोले कहां चले? अभी तो फेरे होंगे। बोले आपको अब भी उम्मीद है कि आपके फेरे होंगे? बोले क्यों, इतना अपमान करके सासू जी चली गई आपकी? भगवान शंकर कह रहे हैं कहां अपमान हुआ? बोले थाली फेंक गई, दरवाजा बंद कर गई, ये अपमान नहीं है? बोले हम तो ये सोच रहे थे कोई रसम है, वो पूरी हो रही है। ऐसे निश्चल है, चलो चले। जन्माष्टमी में लेकर के पहुंचे, वहां देवता बेचारे मुंह लटकाए बैठे, क्योंकि पानी के भी पूछने वाला कोई नहीं। जैसे शंकर भगवान पहुंचे, सभी देवतागण कहने लगे, कहो महाराज तोरण मार दिया, मर गया तोरण। दरवाजे पे जाके मारता है ना तोरण दूल्हा, काहे का तोरण मर गया भैया, सबका मन मर गया वहां तो। सासू जी दरवाजा बंद करके चली गई। पहले ही हमने कहा था सुंदर रूप धारण करके चलते, बढ़िया श्रृंगार करके, तो खूब सम्मान होता, आपका भी हमारा भी, और हमारे भी भोजन के लाले पड़ गए। देवता सुनाने लगे, भगवान शंकर बैठे बैठे सुन रहे हैं। और नारद जी महाराज, क्योंकि सबके घर के दरवाजे बंद हैं अब तो, कुंडी खटखटा खटखटा के खोल खोल के, अरे देखो ये विवाह मैंने कराया है, मेरी वजह से हुआ। बिचौलिया बताते हैं ना, तो किसी ने कहा जाओ आपको पार्वती की माता जी याद कर, हाँ लड्डू लेके बैठी होंगी, इतना बढ़िया जो दूल्हा बताया है, जाओ तो सही। नारद जी पहुंचे, कहने लगी मैना जी, नारद जी आपने मेरी बेटी को ऐसा वर बताया, कोई और बता देते। तो नारद जी कहने लगे, बोले देखो देवी, अगर आपको पसंद नहीं है, लड़का मेरे कहने का है, अभी वापस चला गया, लेकिन एक बात बताओ, कमी किस चीज की है लड़के की? किसी चीज की कमी हो तो बताओ। एक महात्मा बड़ा विनोद में भगवान शंकर के रूप का वर्णन करते हैं, बोले देखो लड़की के लिए जब लड़का देखते हैं, कन्या के लिए वर देखते हैं, क्या देखा जाता है? लड़का कमाता है कि नहीं, लड़के का घर है कि नहीं, लड़के के घर में पानी बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, ये सब देखी जाती है ना व्यवस्था। और बोले इस लड़के की कोई चीज की कमी हो तो बताओ। बोले क्यों? बोले देखो लड़के के दो दो फैक्ट्री है, एक पाउडर की फैक्ट्री है, एक आइस फैक्ट्री है। पाउडर की फैक्ट्री हर गांव हर जिले में है और 2400 घंटे प्रोडक्शन हो रहा है, 2400 घंटे मुर्दे फूक रहे हैं, कोई कमी नहीं है, और खुद जाकर के देखता भी नहीं, वहां तो उसको गली संभाल लेते हैं उसके। और आइस फैक्ट्री पर हिमालय में खुद विराजमान है, वहां से थोड़ी थोड़ी बर्फ गलाते रहते हैं, गंगा यमुना के रूप में प्रवाहित होती है और उससे जीव मात्र का पोषण करते हैं, क्या कमी है? घर बहुत अच्छा है। और देखो एक सुविधा तो बहुत ही विशेष है, तुम्हारी बेटी को भूख के प्यास लगे कभी तो पानी पीने के लिए रसोई तक भी नहीं जाना, बस खाली ओक लगानी है, क्योंकि मस्तक से गंगा जी बह रही है, 2400 घंटे पानी की सप्लाई है, खूब पियो। और बिजली जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, ना जनरेटर की जरूरत है ना इन्वर्टर की, क्यों माथे पे चंद्रमाएं 2400 घंटे लाइट रहती है, बताओ ऐसा दूल्हा कहीं मिलेगा? ज्ञान का प्रकाश 2400 घंटे जिनके पास है, 2400 घंटे जो ज्ञान देते, गंगा की भक्ति की धारा जिनके श्री मस्तक से आर्निश बहती रहती है, ऐसा दूल्हा कहीं मिलेगा जो ज्ञान की गंगा बहावे, भक्ति की गंगा बहावे? ऐसा दूल्हा सहज में मिलने वाला। और अपनी बेटी से तुम पूछो उसकी क्या इच्छा है। माता पार्वती से पूछी, कहा मां
एक बात बताओ, आप इसमें गुरुजी को क्यों कोस रही हो? गुरुजी की क्या गलती है? गुरुजी ने तो जो मेरे भाग में लिखा था वही तो बांचा, और भाग लिखने वाला कौन? विधाता। तो आप इसमें गुरुजी को क्यों डांट रही? ये है गुरु निष्ठा पार्वती। आप मेरे गुरुजी से कुछ मत कहो, गुरुजी की कोई गलती नहीं। जब बेटी ही राजी देखी तो अब क्या मना करें, बोले चलो आगे की तैयारी करो, विलंब करने से कोई लाभ नहीं। अब जन्माष्टमी में खबर भेजी गई, बोले महाराज माता जी तैयार हैं अपनी कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ करने के लिए, बारात को लेकर के भगवान भूत भावन पधारे। अब देवताओं ने हड़ताल कर दी, बोले बिल्कुल नहीं जाएगी बारात, पहले हमारी शर्त मानी जाएंगी तब बारात जाएगी। बोले क्या शर्त है आपकी? बोले इस विवाह में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा, पहले विवाह होते थे कन्या दान के बाद में सब लोग पंगत करते थे, बोले इस विवाह में नियम बदला जाएगा, बोले पहले पंगत होगी बाद में भावर होगी। बोले क्यों? बोले बारात आई तब इतना झंझट हो गया, और कई फेरों से पहले और झंझट हो गया, तब तो हम भूखे ही रह जाएंगे। खबर भेजी गई, बोले महाराज हमको तो भोजन कराना पहले कराए या पीछे, राजी हो जाओ इस बात पर, चलो पहले पंगत ही करा देते। पंगत की तैयारी होने लगी, पहले तो बैठ करके पंगत होती थी, पट्टी बिछ गई, परोसने वाले आ करके खड़े हो गए, और उनके मुखिया चलो तुम पत्तल उठाओ, तुम सकोरा उठाओ, तुम कुल्लड़ उठाओ, परोसने वालों को भेजने लगे। 10-20-50 कुल्लड़ पत्तल परोसी, आदमी आगे जाके रुक गए, अरे रुक क्यों गए, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी करो, बहुत बारात है। बोले आगे बढ़ो कैसे कर रहे हो, यहां समस्या आ गई है। क्या समस्या आ गई? आकर के देखो। वो व्यवस्थापक जी गए, क्या समस्या है? बोले हम पत्तल रखने आए हैं, अब यहां समस्या ये हो गई, को मुखहीन, ये बराती ऐसा है जिसके मुंह ही नहीं है, बताओ पत्तल रखें कि नहीं रखें। बोले तुम अपना काम करो, पत्तल रखो आगे बढ़ो। पत्तल रखी, फिर आगे बढ़े, 10-20-50 पत्तल रखने के बाद फिर रुक गए। फिर व्यवस्थापक ने पूछा अब क्यों रुक गए, क्या बात हो गई? बोले उससे भी बड़ी व्यवस्था समस्या आ गई है, आकर के देखो। वो व्यवस्थापक आए, अब क्या समस्या है? विपुल मुख काऊ, अब यहां जो बराती बैठा जिसके चारों तरफ मुंह ही मुंह थे, बोले अब समस्या ये हो गई, पत्तल कहां रखे, कहीं सामने रख दी और महाराज नाराज हो गए, सामने के मुंह से नहीं खाते बगल के से खाते हैं। तब बोले चारों तरफ पत्तल लगा दो, जहां से इच्छा होगी वहां से खा लेंगे, तुम आगे बढ़ो जल्दी से। ऐसी विचित्र बरात भगवान शंकर की आई, बड़ा समस्या हो गई परोसने वालों के लिए, आगे और हल्ला होने लगा। बोले काय का हल्ला हो रहा है? बोले महाराज पैर नहीं है, कुर्सी मांग रहे हैं बैठने के लिए, बताओ क्या करें। एक बराती नाराज हो गया, हाथ नहीं है लेकिन बोले चम्मच दो तब खाएंगे। ऐसी विचित्र बरात, बोले भैया ऐसों को जिमाना तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा करो बरातियों के अपने हवाले कर दो, अपने आप लेंगे, अपने आप खाएंगे, अपने तो दूर हो जाओ, शायद तभी से ये सिस्टम चला है। चलो जैसे तैसे भोजन भी हो गया। अब उसके बाद में फेरों का समय आया, भगवान शंकर तो मंडप में जाकर के बैठ गए, पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को लेकर के आईं, और दूर से ही छोड़ करके वापस जाने लगी। पार्वती ने कहा तुम साथ नहीं चलोगे? बोले नहीं हम साथ में नहीं चलेंगे। बोले क्यों? जीजाजी के पास बैठना, थोड़ी विनोद भरी बातें करना। बोले नहीं नहीं ये कोई जीजाजी है? जीजाजी किसको कहते हैं? जिसको देख करके जीने की इच्छा हो वो जीजा, ये तो मरजाजी है, इनको देख करके तो मरने की इच्छा कर रही है, ऐसे ऐसे सर्प लटका रखे हैं, ऐसे बिच्छू एक भी आकर के बगल में सूंघ लिया तो हम तो वैसे निकल लेंगे, इसीलिए दूर की राम राम अच्छी है, जीजाजी से पास से जाना ठीक नहीं होता है। जो भयन निष्ठ महात्मा होते हैं वो अपने स्वरूप को इस प्रकार का बना करके रखते हैं कि स्वरूप के आकर्षण में आकर के व्यक्ति उनके समय को बर्बाद ना करे। तो इसीलिए भगवान शंकर अवधूत वेश बना करके कि उनके चिंतन को कोई भंग ना करे, उनके भजन को कोई भंग ना करे, इसलिए ऐसा अटपटा वेश बना करके।
अगर भगवान के भजन के लिए हमको अपने वेश को भी बदलना पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। तभी तो मीराबाई कहती हैं, बाला मैं बैराजन होंगी, जा भेषा मारा गिरधर रीज है, सोई वेश धरूंगी, बाला मैं बैराजन। ये वेश भगवान शंकर ने भजन करने के लिए लिया है, जिससे कि कोई व्यर्थ में आकर के अन्य वार्तालाप ना करे, भय से दूर रहे और वो भगवान के पास रहे। आदि शक्ति जगदम्बा निर्भय होकर के भगवान शंकर के निकट आकर के विराजमान हो। अब दोनों बैठे हैं, आवाज लगाई, भाई पंडित जी आओ, आगे की विवाह की पद्धति को आगे बढ़ाओ। पंडित जी महाराज दूर से ही मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण ध्वज, दूर से चावल फेंकने लगे। किसी ने कहा पंडित जी ये दूर से आपको कर रहे हो, पास जाकर के कराओ। बोले नहीं, इस विवाह का विधान दूर से ही कराने का है, पास से जाकर के नहीं होगा। डर लग रहा है पंडित जी को, भय लग रहा है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, बोले नहीं इधर से ही हो जाएगा, दूर से। दूर से ही तिलक कर दिया, आदित्या वसु रुद्रा विश्व देव। अब दूर से बहुत काम हो गए, लेकिन एक काम ऐसा है जो निकट में ही जाकर के होगा, और वो है ग्रंथि बंधन का। और जब तक ग्रंथि बंधन नहीं होगी तो भावर कैसे पड़ेंगी। तो पंडित जी ने आवाज लगाई, बोले भैया कन्या की कोई बहन बुआ भतीजी हो वो आकर के ग्रंथि बंधन कर दे। तो अंदर से आवाज आई, महाराज हमारे घर के तो सारे काम पंडित जी करते हैं, बहन बेटी कोई नहीं करती। नहीं नहीं ये काम बहन बेटी का होता। बोले नहीं, हमारे घर की परंपरा है, हमारे यहां तो बहन बेटी करती है, वो पंडित जी करते हैं। पंडित जी ने सोचा ये तो आफत आ गई, अब क्या करें, अब ग्रंथि बंधन नहीं हो तो फेरे कैसे पड़ेंगे। जाओ जाओ पंडित जी जल्दी करो। और देखो पंडित जी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते तो हम दूसरा पंडित बुलाएं। पंडित जी ने सोचा जान चली जाए, जजमान नहीं जाना चाहिए, पर होता है जजमान से नहीं मोह छूटता। पंडित जी महाराज आगे बढ़ गए हिम्मत करके, भगवान शंकर तो बैठे हैं बागंबर लपेट करके, वस्त्र कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अब ग्रंथि बंधन तो करना ही है, वस्त्र तो लेना ही पड़ेगा, कोई गमछा हो, रुमाल हो, दुपट्टा हो, उत्तरीय हो, जिसमें ग्रंथि हल्दी की गांठ सुपारी चावल आदि 125 रुपया आदि रखकर की गांठ लगाई जाए। पंडित जी ने भगवान शंकर से ही मांग कर दी, ये नहीं हुआ कि अपने पास से ले जाते। विप्र मांगो वसन कन्या ग्रंथि बंधन को, महाराज कोई वस्त्र हो तो दे दो जिसमें ग्रंथि बंधन कर। अब वहां तो कोई उत्तरीय था नहीं, क्या दे। हस के महेश भुजंग लटकायो, एक सांप पकड़ा दिया पंडित जी के हाथ में। पंडित जी ने सांप देखा, छोड़ करके भागे, महाराज बिना ग्रंथि बंधन के विवाह हो जाएगा, आपकी ग्रंथि बांधने के चक्कर में मेरे जीवन की ग्रंथि वैसे खुल जाती है। अरे नहीं नहीं महाराज करो ग्रंथि बंधन। बोले महाराज मैं नहीं करूंगा, दूर से बिना ग्रंथि बंधन के विवाह हो। अरे महाराज देखो मैंने पूछ पकड़ाई है सांप की, कुछ पता नहीं है, दो दो मुंह वाले भी होते हैं महाराज। अरे नहीं सत्य कह रहा हूं, ये एक मुंह वाला ये पूछ है इसकी, ले पकड़ो। दिखाया दूर से, लोगों ने कहा जाओ महाराज जाकर के ग्रंथि बंधन। पंडित जी के तो बीपी बढ़ गया, जैसे तैसे थोड़ा सा धीरज आया, पास में पहुंचे, पार्वती जी के पीले बे ओढ़नी जो होती है उसमें हल्दी की गांठ सुपाड़ी और 125 रुपया रख करके गांठ लगाई और सर्प की पूंछ में पोदी लगी रहे तो बहुत बढ़िया, ग्रंथि बंधन हो गया। अब ब्याज भाड़ा दक्षिणा और पीछे मांगो कच्छना। पंडित जी पे सबर नहीं हुआ कि बाद में मांग लेते विवाह की दक्षिणा, उसी समय बोले अभी ले लो हाथ की हाथ, बाद में मिली नहीं मिली, बाद में कौन देगा। तो विप्र मांगो नेग कन्या ग्रंथि बंधन को, लाओ महाराज नेग दो। अब ब्याह में पहले नेग बेटा वाला देता है, वहां कौन से उनके चाचा ताऊ लेकर के बैठे कोचरी जो निकाल के दे दो, लो पंडित जी
भगवान शंकर से ही मांग बैठे, उनके तो कुछ अंटी में भी नहीं। ऐसे यहाँ पर कंधे पे कुछ खुजली सी मची, ऐसा बड़ा पहाड़ी बिच्छू चल रहा था, हंस के महेश एक बिच्छू तपकायो, एक बिच्छू हाथ में रख दिया आपको, बिच्छू फेंक करके भागे, और नेग जोग मांगो तो भूले गए पाणे जू, और पाए पण मोहे बकसायो। महाराज डोनेशन में पढ़ा दूंगा ये विवाह, लेकिन मेरे प्राणों को छोड़ दो, पहले सांप दे दिया, बिच्छू दे दिया, क्या चाहते हो? एक गरीब ब्राह्मण के पीछे क्यों पड़े हो? दूर जाके गिरे पंडित जी, जल के छीटा मार मार के लोग होश में ला रहे, पंडित जी होश करो, पंडित जी चेत करो। बोले होश तो उड़ गए, करे कहां से। भगवान शंकर ने कहा, भूत भावन कहने लगे, हे भूदेव देखो तो सही, मैंने आपको दक्षिणा दी है। बोले महाराज ऐसी दक्षिणा को लेकर के हम क्या करेंगे जो प्राणों पे बन जाए। बोले नहीं नहीं, मेरी कहने से एक बार देख तो लो, एक बार दृष्टि डालो। पंडित जी ने थोड़ा सा साहस किया, और साहस करके थोड़ा सा जब देखा दूर ऐसे करके, तो वो बिच्छू सोने का डोला बन गया, दौड़ करके भागे, बिच्छू उठाया, अंटी में लगा लिया। बोले देखने में ही भयंकर है, नाम शिव शंकर है, बोलो शंकर भगवान की जय। बोले देखने में ही भयंकर है, बाकी जो चाहो से दे देता है। आशुतोष है, आशुतोष तुम अवढ़र दा। पंडित जी ने लगा लिया अंटी में। बोले महाराज ब्याह पढ़ाई करने क्या दोगे? बोले तुम बताओ पंडित जी क्या लोगे। बोले महाराज जो ऊपर से लेकर नीचे तक सात बार फेरे लगा रहा है ना आपके, इसी सर्प को देना। बोले खूब लंबा सोड़ा सर्प होगा, सोने का हो जाएगा। बोले जिंदगी में फिर ब्याह शादी कराने की जरूरत ही नहीं, महाराज आराम से थोड़ा सा निकाला, घर खर्चा चलाया, आपका भजन करूंगा और खूब आनंद लूंगा। ऐसे हास्य और विरोध के साथ में भगवान गौरी शंकर का विवाह यहां पर संपादित हुआ। भगवान गौरी शंकर का यह विवाह हुआ है। कुछ समय ठाकुर जी अपने ससुराल में ही विराजे हैं। अब भगवान के विवाह के उपलक्ष में हमारी दो बहनें हैं, बहन जी शैलजा जी और हमारे भैया आनंद जी के घर उनकी पत्नी, एक छोटा सा भजन ठाकुर जी के लिए गा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। उनकी भी इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी, और आज की कथा को हम तो यही विश्राम देंगे, क्योंकि पूज्य महाराज जी के भी आगमन का समय है, अमृत पान का आनंद हम सभी लोग लेंगे, इसीलिए बहन जी आ जाओ। भाव और प्रेम के साथ में सभी भजन का श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, ये कथा जड़खोर गोधाम के लिए समर्पित की गई है, तो आप सभी लोग इस गौशाला में, अन्यत्र जहां भी गौशाला आपको दिखाई दे, उनकी सहायता के लिए तत्पर रहा करें, खूब दिल खोल करके गौ माता की सेवा के लिए सहयोग किया करें, ऐसी आप लोगों से विनती है। क्योंकि देने से कभी घटता नहीं है, दे दिवावे दे दे करे सो प्राणी भवसागर तरे, तो इसीलिए आप लोग खूब आनंद के साथ में गौ माता के लिए सेवा के लिए अपनी यथाशक्ति सहयोग किया करें। अब हमारी बहनें आ गई हैं, भाव और प्रेम के साथ उनके मुख से ठाकुर जी का एक भजन हम लोग सुनेंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हेलो, जय गो माता, जय गोपाल। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानु राम नारायण जानु। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,
राम रमजान वल्लभम कौन कहता है भगवान नहीं कौन कहता है भगवान नहीं तुम आती जैसे दुनिया नहीं तुम आती जैसे दुनिया अच्छुत केशवम कृष्ण दामोदरम अच्छुत केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान कौन कहते हैं भगवान अच्युत केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय गौशाला जय गोपाल। जन जन का कल्याण करे भोला बाबा कृष्ण का कल्याण करे भोला बाबा जन जन का कल्याण करे भोला बाबा जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा हो हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा हर मुश्किल आसान करे तेरा भोला बाबा हो जन जन का कल्याण करे जन जन का कल्याण करे ओम शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय खुले हुए को राह दिखाए 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 देवों को अमृत पिलवाए देवों को अमृत पिलवाए हर पुरुष का काम करे मेरा भोला बाबा हो पुरुष का काम करे मेरा जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा
एक बार सभी कोई अपने हृदय से महाराज जी के श्री चरणों में अपना नमन करेंगे तालियां बजाकर। आज के हमारे मुख्य यजमान श्री सुरेंद्र लाल गोयल जी, श्री अमोल गुप्ता जी, श्री मनोज अग्रवाल जी और श्री प्रवीण मित्तल जी, इनसे मैं आग्रह करूंगा आप लोग कृपया मंच पर आए। और उससे पहले वो भक्तों, आज हमारे बीच में एक हिंदुस्तान के बहुत ही परिचित भजन सम्राट श्रद्धेय श्री नंदू भैया जी, मैं आग्रह करूंगा हम सब को भक्तों की तरफ से महाराज जी के श्री चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करेंगे और महाराज जी आशीर्वाद स्वरूप नंदू भैया को अंग वस्त्र देकर आशीर्वाद देंगे। साथियों, नंदू भैया का नाम दिल्ली वालों के लिए क्या देश में विदेश में कहीं भी अपरिचित नहीं है। अभी कल परसों की कथा में महाराज जी ने एक विनोद में बात कही थी कि वे जितने कथा वाचक है, कीर्तन भजन करने वाले हैं, उनको भी जो चढ़ावे के रूप में या कीर्तनों में भजनों में कुछ प्राप्ति होती है, उसका कुछ भाग जरूर अच्छे कार्यों में और गौशालाओं में देना चाहिए। तो महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा नंदू भैया के लिए, आपने तो बोला लेकिन हमारे नंदू भैया शुरू से जो भी कुछ कीर्तनों में भजनों में प्राप्त होता है, आपने तो सिर्फ 1% दशांश मिली शतांश की बात करी थी, लेकिन नंदू भैया का जो भी कीर्तन भजन होता है पूरा का पूरा भाव इनका इसी तरह के कामों में और वो भक्ति में रहता है। एक बार हम सभी की तरफ से नंदू भैया का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बीच में नंदू भैया की धर्मपत्नि जी भी है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे जितने भी यजमान बंधु यहाँ पर विराजित हैं, जैसा कि मैंने नाम लिया, सभी आ जाए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथियों, आप यह गौशाला की जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, यह हमारे जो समर्पित गो सेवक है महाराज जी, सब उनका पुण्य प्रताप है, उनकी कार्यशैली है कि आज ये गौशाला यहाँ पर इस रूप में खड़ी है। मैं सभी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सभी से अनुरोध करूंगा, हमारे मुख्य यजमान श्री मनोज जी से मैं आग्रह करूंगा, श्री प्रवीण मित्तल जी से आग्रह करूंगा और आज के भंडारे के हमारे यजमान श्री साधुराम दर्व जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारे। समय की हमारे पास समस्या है, मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी आप लोग आए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा महाराज जी के श्रीमुख से सत्संग का लाभ ले सके। मानव जीवन का सर्वोत्तम फल महाराज जी ने कल परसों बताया कि मानव जीवन का सर्वोत्तम फल जो है वह सत्संग है, तो यह बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा होगी है कि गौशाला के प्रांगण में जहां पर कि सत्संग का 1000 गुना लाभ ज्यादा बताते हैं, आज हमें ऐसा मौका मिला है तो इसको हम लोग जाया न करते थे। अब मैं हमारे सभी समर्पित कार्यकर्ता जो हैं वो सेवक है महाराज जी, मैं चाहूंगा फटाफट आप लोग आइए। पीके चौधरी जी, अरविंद सिंह जी, महेश सिकरवाल जी, मोहन गर्ग जी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर शौकत अहमद जी, अरुण गौतम जी, रवि कुमार शर्मा, संदीप कुमार शर्मा, संदीप कुमार जट, धीरज कुमार, नितिन कुमार शर्मा, हेमंत जी, श्याम सुंदर कृष्ण जी, श्रवण चौबे, एलके तिवारी, बाबूलाल जी, सत प्रकाश जी, राजेंद्र मिश्रा, संगीता सिंह, कुंज बिहारी शर्मा, अमित चौबे, भूपेंद्र सिंह, सुशील कुमार चौबे, त्रिभुवन पांडे, जितेंद्र सिंह, रविंद्र मिस्त्री, हवलदार मिस्त्री,
सरबजीत, गजेंद्र सिंह, संदीप भारद्वाज, ओंकार चौबे, विकास पाठक, लक्ष्मण सिंह, सुधीर कुमार, मथुरा प्रसाद, अनुपम मिश्रा, मनोज कुमार, धर्मेंद्र शर्मा, हरि शंकर, कैलाश चंद, हवा सिंह, राकेश कुमार बाजिया, आलोक सिंह, अनिल कुमार, हनुमान प्रसाद, मुकेश कुमार, संदीप कुमार जो जीएलडी का काम देखते हैं, राजीव कुमार पांडे, सुंदर लाल और प्रिंस। साथियों, अगर हमारे बीच यह समर्पित टीम नहीं होती तो गौशाला का इतना विशाल स्वरूप आपके सामने नहीं होता। मैं चाहूंगा कि दर्शक गृह में भी जो हमारे कथा प्रेमी पर तालियों से हमारे इन गौ सेवकों का आप अभिनंदन भी करें और इनका उत्साहवर्धन भी करें, ताकि आगे आने वाले दिनों में महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात और ऊर्जावान होकर ये गौ माता की सेवा अभी जितनी करते हैं उससे भी और ज्यादा करें। साथियों, इस समय ये गौशाला का स्वरूप बहुत छोटा था और गौशाला की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी। उस समय भी हमारे गौ सेवकों ने हमने चाहे मानदेय इनको देर सवेर में दिया हो, क्योंकि पहले गौशाला है तो सबसे पहले गायों को खाने का प्रबंध होना जरूरी है। उसके लिए जो हरा चारा आता है, दाना आता है, उसकी पेमेंट करनी जरूरी होती है। तो कई दफा ऐसा मौका आया कि इनको मानदेय देने में देरी हुई, लेकिन यह इनका जज्बा है, गायों के प्रति समर्पण है, इनको बोले उस तक नहीं किया। हम सभी इनके हार्दिक आभारी है। आज हमें कई लोगों की धनराशि गौ माता को अर्पण की जुटी है। 21,000 रुपए का गुप्त दान हमारे पंजाबी राज के सहयोगी ने दिया है, उनका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। 51,000 रुपए की मेरे पास आई है श्री रविंद्र मित्तल जी। 51,000 रुपया इन्होंने गौ माता के चरणों में अर्पण किया है, इनका हार्दिक धन्यवाद। यह जो कथा यहाँ पे की जा रही है महाराज जी के माध्यम से, जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी अपनी कथा में भी जय घोष करते हैं जड़खोर धाम का। यह कथा उसके निमित्त की जा रही है और बहुत से हमारे दानी दाताओं ने जड़खोर धाम के लिए अपना समर्पण दिखाया है। कल मैं विधिवत रूप से उसकी घोषणा करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि यह एक अद्वितीय शुरुआत श्री कृष्ण गौशाला के माध्यम से हुई है। जैसा कि महाराज जी कथा में अखिल भारतीय गौवंश की जय जयकार करते हैं, तो सभी गायें चाहे वो कहीं भी विचरण कर रही हो, हमारा दायित्व बनता है कि वो कहीं भी उनको तकलीफ नहीं हो। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण गौशाला ने एक शुरुआत की है और दूसरी गौशालाओं के निमित्त यहाँ पर ये कथा हो रही है। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग जड़खोर धाम के लिए तालियां बजाएं और मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से जो कुछ सेवा कहीं भी किसी भी गौशाला के प्रति आपकी बनती हो, आप जरूर अपना सहभाग करें। हमारे बीच में दिल्ली के प्रमुख समाज सेवी श्री घनश्याम बंसल जी है, एडिशनल डीसीपी साहब है महाराष्ट्र, बहुत ही कम उम्र के हमारे डीसीपी महोदय। कभी भी गौशाला में किसी भी तरह की समस्या आती है तो ये दिल खोलकर अपना समय भी देते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। डीसीपी महोदय का बहुत बहुत हार्दिक
अभिनंदन। आज महाराज जी की कथा के पश्चात कीर्तन का आयोजन किया गया है 7 बजे से 9 बजे तक। बीच में हमारे भी श्रद्धे नंदू भैया जी भी हैं, उनसे भी आग्रह रहेगा कि कुछ देर यदि हमें अमृत पान कराएं कथा का। हमारे बीच में श्री राधा वल्लभ जालान जी है, इन्होंने 2.5 लाख रुपए का डोनेशन जड़पुर धाम में दिया है। एक बार तालियां, और कुछ कहना चाहते हैं महाराज जी के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता की जय। मैं जड़पुर रहा हुआ हूँ, इसलिए वहां की पूरी पूरी बातें जानता हूँ। मैं काफी देर वहां रहा और अभी भी आना जाना मेरा बराबर चला रहता है। जड़पुर गोधाम को देखने मात्र से प्रसन्नता होती है। आप लोग जरूर आ रहे गोधाम देखने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने यहाँ गायें चलाई है, कसाईयों से छुड़ाई हुई गायें, काफी गाय यहाँ हमारे पास जड़पुर में थे। बरसात गर्मी जाड़ा सब सहने के लिए गायों में बंद होना पड़ रहा है, इसलिए शेड बनाने की आवश्यकता है। अभी मुंबई के अरुण मल्होत्रा जी ने 15 लाख रुपए दे के एक शेड बनवाया है, जिसका उद्घाटन बालाजी के मार्फत होगा। और भी कोई बनाना चाहे तो शेड की वहां काफी आवश्यकता है, नहीं तो गाय गर्मी में जाड़े में बरसात में सब में तकलीफ पाती है। और आप लोग अभी महाराज जी कथा है 2 तारीख से 8 तारीख तक जड़पुर में, मार्च में 2 से 8 तक बालाजी कथा है। आप लोग सब आए, रहने की भोजन की सब व्यवस्था है और कोई चार्ज नहीं किसी चीज का भी, बैठने का कोई चार्ज है ना भोजन का कोई चार्ज है। भगवान की कृपा से सभी व्यवस्था वहाँ है और मेरा तो मन बार बार जड़पुर जाने का करता है और शरीर साफ नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ। आप लोग भी जरूर आए, जरूर देखें, बहुत आनंद होगा आप लोग। हमारे श्री राधा वल्लभ जाला जी का भाव था। साथियों, अभी अभी एक शुभ सूचना हमारे भाई श्री नंदू भैया ने दी है। महाराज जी ने आदेश दिया है कि जो 2 मार्च से 8 मार्च तक की दिव्य कथा जड़पुर धाम में होने वाली है, उसमें दिनांक 7 मार्च को संजय नंदू भैया जी का भी कार्यक्रम रहेगा। महाराज जी ने आदेश दिया है तो नंदू भैया कैसे ठुकरा सकते हैं, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और मैंने सहर्ष घोषणा की। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। आप लोग, मेरी बहुत तमन्ना है, हमारे धान श्री राजेश जी की भी बहुत तमन्ना है, जो कोई जड़खोर धाम जाना चाहे, तभी हम ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे महाराज श्री कि यहाँ से बस लेके चलेंगे और जो भी वहां जड़खोर धाम जाना चाहे वो जा सकता है। भगवान की कृपा हुई तो ऐसी भी व्यवस्था बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। धन्यवाद। श्रीमते रामचंद्राय ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह परंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये विश्वसर्वविशरदाभिनवलक्षणलक्षितम् श्री
कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमः। ॐ नमो गुरुभ्यः श्रीमतेभ्यः की सौरभेभ्यो च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासांबरी शिशुक सौमुक भीष्मदालनाम कृत्मांगदार्जुनवसिष्ठ विभीषणादी पुण्यानिनां परम भागवतां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। यस्यां केच विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्बले च वरलं यस्यो शुभ्यारुणः सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शरवः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। गिरा अरथ जल बीचि समकहियत भिन्न भिन्न बंधन सीताराम पद जिनि परम प्रियखिन बंदम तुलसी के चरण जिनकी हो जगताज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रभुतो सप्त बहार। आज भगवान शिव पार्वती के विवाह का बड़ा सुंदर रसमय वर्णन श्री रसिया बाबा जी ने व्यासपीठ से किया है, इसलिए संकीर्तन में आराध्य और आराधक दोनों का ही स्मरण करना। गौरी शंकर सीताराम 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 यदि शिवा शिव जानकीरा गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम जयति शिला शिव जानकीरा शिवा शिव जानकीरा गौरी शंकर सीताराम
यति शिराशि श्यामा श्याम यति शिराशि गौरी शंकर राधेश्याम गौरी शंकर राधेश्याम गौरी शंकर राधेश्याम गौरी शंकर राधेश्याम गौरी शंकर सीतारा गौरी शंकर।